सपना आना आम बात है, लेकिन इस सपने में आप क्या देख रहे हैं इसका आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। जी हाँ, स्वप्न शास्त्र के मुताबिक आपके द्वारा देखे गए सपने आपके जीवन में कई बदलाव ला सकते हैं। आज इस कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं कि सपने में शिव जी या उनसे जुड़ी चीजों को देखने से आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है। शिव का सपनों में दिखना आपके लिए बेहद फलदायी साबित हो सकता है, जो आज हम आपको बताएंगे कि शिव के कौन से रूप या किस चीज को सपने में देखने से जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कई बार लोगों को सपने में भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। अगर आपको भी सपने में भगवान शिव के दर्शन होते हैं तो समझ लीजिए कि आपके अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है और आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। अब भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करें। इसके अलावा स्वप्न शास्त्र की माने तो अगर कभी सपने में आपको भोलेनाथ तांडव करते हुए दिखाई देते हैं तो ये कतई ना समझें कि वे आपसे नाराज हैं या फिर जीवन में मुसीबतें आने वाली हैं, बल्कि ये रूप आप सपने में तब देखते हैं जब आप शत्रुओं से घिरे हुए होते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस सपने के जरिए भोलेनाथ अपने भक्तों को ये संदेश देते हैं कि उनके शत्रुओं का नाश वह स्वयं ही करने वाले हैं। अगर आप सपने में शिवलिंग देखते हैं तो ये आपके लिए शुभ संकेत है। इस सपने का अर्थ है कि आप पिछले जन्म में भगवान शिव के भक्त थे, अब आपकी सभी समस्याओं के खत्म होने का वक्त आ गया है। आपको जल्द ही तरक्की होने वाली है और यश की प्राप्ति भी होने वाली है। इसके अलावा अगर कभी सपने में आपको शिव मंदिर दिखाई दे या फिर आप ये देखते हैं कि किसी शिव मंदिर में आप जा रहे हैं तो समझ लीजिए ये अत्यंत ही शुभ संकेत है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि ये सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आप जिन गंभीर परेशानियों या फिर बीमारियों से जूझ रहे हैं जल्द ही आपको उनसे राहत मिलने वाली है। वहीं यदि शिव जी के स्वरूप की बात करें तो उनकी जटाओं में चंद्र दिखाई देता है। ये चंद्र ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, तो यदि आपको सपने में शिव जी का चंद्र दिखाई दे तो ये आपको ज्ञान संबंधित कार्यों से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संभावना है कि जल्द ही आपको कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। यह फैसला शादी ब्याह शिक्षा आदि के संबंध में हो सकता है। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा सपना देखें तो समझ जाए कि यह सफलता की ओर संकेत दे रहा है। अगर कभी आपको भोलेनाथ और माता पार्वती जी सपने में एक साथ दिखाई दें तो समझ लें कि आपको उनकी विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सपना दाम्पत्य जीवन में मची कलह और दूरियों को खत्म होने का संकेत दे रहा है। लेकिन ध्यान रखें कि जब भी ये सपना देखें तो भोलेनाथ और माता पार्वती का जल अभिषेक जरूर करें। इसके बाद उन्हें शहद अर्पित करें, सुखी दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करें। गौरतलब है कि यदि सपने में भगवान शिव और पार्वती की अर्ध नारेश्वर वाली प्रतिमा या मूर्ति दिखाई दे तो आप मान लीजिए कि जल्द ही नए अवसर आपको मिलने वाले हैं। आपको जल्द ही धन संबंधित शुभ समाचार मिल सकता है। वहीं स्वप्न शास्त्र की माने तो अगर कभी भी आपको सपने में सांप और त्रिशूल दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। ऐसी मान्यता है कि कभी भी सपने में सांप दिखाई देता है तो तत्काल आर्थिक लाभ का संकेत होता है। इसके अलावा अगर सपने में त्रिशूल दिखाई देता है तो समझ लीजिए आपके सभी संकटों का नाश होने वाला है। दरअसल मान्यताओं की माने तो त्रिशूल जीवन में हर संकट का नाश करता है और कठिन से कठिन परेशानियों से निपटने का साहस प्रदान करता है। गौरतलब है कि शिव जी की तीसरी आंख सतर्कता और जागरूकता के विषय को बताती है। सपने में शिव की तीसरी आंख के दर्शन आपको जीवन के कुछ महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत भी देती है।